हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया में रहने वाले खानाबदोश लोगों की सुबह की रूटीन शेयर करने जा रहा हूं। धूप हो या छांव, आंधी हो या बारिश, ये लोग खुले आसमान तले ही बसेरा कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों के कोई परमानेंट हाउसेज नहीं होते। ये लोग अपने जानवरों की चराहगा की खातिर सारा साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इन लोगों के पास जानवर काफी तादाद में होते हैं, लेकिन ये कुदरती बात है कि इन लोगों का खाना पीना सोना उड़ना बिल्कुल सादा तर्ज का होता है। आज की इस वीडियो में मैं इन लोगों की सुबह की सारी रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ कि ये लोग खुले आसमान तले किस तरह से कुकिंग करते हैं, किस तरह ये खाना खाते हैं, अपने जानवरों का दूध कैसे निकालते हैं। आप लोग वीडियो पूरी देखें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन लोगों ने यहाँ पे आके आर्जी तौर पे कैंपिंग की हुई है। ऊपर इनके किचन है, परमानेंट ना हाउसेज है ना परमानेंट किचन होते हैं इनके। अभी ये आग जला रहे हैं और इन्होंने कुकिंग करनी है। रात बारिश आई थी, कितनी बारिश आई थी? ज्यादा। तो फिर ये कैसे आपने किया था? रात कहाँ पे सोए थे? कितनी देर बारिश होती रही रात? फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं रात को इन्होंने इधर ही स्टे किया था। ओपन माहौल था, कोई बंद कमरे नहीं थे, आप देख सकते हैं। तो ये रात को काफी देर तक बारिश होती रही और ये लोग जो थे बारिश में ही इन चार पाइयों पे खुले आसमान तले सोते रहे। फैमिली जो है वो उन्होंने यहाँ पे चाय बनाई है, अभी वो चाय पी रहे हैं। ये लोग जो होते हैं कैंपिंग इकट्ठी करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली अलग अलग होती हैं, इनका खाना पकाना अलग अलग होता है। मॉर्निंग का टाइम है और अभी यहाँ पे पराठे बनाए जा रहे हैं जी। फाइनल हो रही है इनकी। अभी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद अपनी दाक्षिण को लेके सहरा में चराने के लिए चले जाएंगे। ये लोग कुकिंग के लिए दाचियों का देसी घी इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं बोतल में जो घी है ये देसी है। ये खुद बनाते हैं?
इन्होंने पैसे देना कोई क्यों नहीं चल रही रात बारिश हुई थी इसी वजह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके घर तो नहीं थे ये ओपन माहौल में ही सोए थे रात बारिश में तो अभी ये देखें लकड़ियाँ जो है वो गिली हैं इसी वजह से अभी आग भी नहीं जल रही बच्चे रात ने पहला फोस गाने बारा से छापर फाट गया ये देखें जी रात इधर ही सोए थे चार पाइयों पे खुले आसमान तले अभी आग जलाने में बड़ा मसला पेश आ रहा है दो दो लोग कट्ठे मिल के दूध क्यों चोंदे अडाची दा एक जने तुम्हारा ज्यादा दे दिया दूध सही है एक चोवे तो मैं थोड़ा दूध दूंगा ए मेरे पेकियां मई डाचियां दीतियां चार डाचियां अच्छा वाह जी वाह डाची का एक दिन का ये बच्चा है खुद तो दूध नहीं पी सकता इसीलिए भाई जो है ये बच्चे को दूध पिला रहे हैं हाथ खा लेता हूँ सकता हूँ हार गए इसके पास शहर से दूध लेने वाला आया हुआ है ये लोग अपनी डाचियों का दूध जो है वो सेल कर रहे हैं कुछ लोग अभी दूध लेके आ रहे हैं ये दूध चेक करने वाला पैमाना है गात गात। बास, बास को। ये भी यहाँ तो ढेर हो यार नहीं नहीं पूरा भी ना पूरा मुकम्मल हो चुकी है और अभी ये लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं नाश्ता करने के बाद ये लोग अपनी डाचियों को लेकर शहरा में चलाने के लिए चले जाएंगे ये है इन लोगों की मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।